हेलो, हाय मैम, मैं ग्रुप से बोल रही हूँ। क्या मेरी बात प्रिंसिपल से हो रही है? जी बोल रही हूँ। मैम, हमारे एमडी सर आपको एज प्रिंसिपल अपने स्कूल में रखना चाहते हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? हाँ, ऑफ कोर्स, इफ द पैकेज विल बी गुड, आई डेफिनेटली आई कैन जॉइन। ओके, परफेक्ट। मैम, मैं आपकी कॉल ना एमडी सर को ट्रांसफर कर रही हूँ। या डेफिनेटली श्योर। योर कॉल इज ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द। हेलो हेलो सर, मैं प्रिंसिपल बोल रही हूँ। हाय बेटा, कैसे हो आप? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। आई एम गुड बेटा। अच्छा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, थोड़ा स्टडी के बारे में बताएं अपनी। सर मुझे 4 साल हो चुके हैं एज अ प्रिंसिपल। ओके, एंड आई हैव अ 4 इयर्स एक्सपीरियंस एंड आई हैव डन एमफिल। वेरी नाइस बेटा, मैं ना आपके कॉन्फिडेंस से बड़ा खुश हुआ हूँ। आप एजुकेटेड भी हो। थैंक यू सो मच सर। नहीं तो आप डिजर्व करते। अच्छा, मुझे ना थोड़ा अपनी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बता दो। सर मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मा तो कभी स्कूल गए ही नहीं। अच्छा। पापा ने भी 7 तक स्टडी की है, बट घर की प्रॉब्लम की वजह से उनको स्टडी छोड़नी पड़ी थी। इसका मतलब आपके घर वाले एजुकेटेड नहीं है? जी जी, पर ये बट तो... हाँ ये जरूर था कि मेरे मम्मा पापा ने जो खुद नहीं कर सके वो चाहते थे कि उनका बच्चा करे, तो उन्होंने कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी मुझे। वो तो बेटा ठीक है, पर प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे मम्मी पापा एजुकेटेड नहीं है, इसलिए हम आपको रख नहीं सकते। सर सॉरी टू से, मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, बट जो ये आपने कंडीशन रखी है ना कि आपके मम्मा पापा एजुकेटेड नहीं है तो मुझे भी जॉब नहीं मिल सकती, ये मुझे आपकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। आपके कहने का मतलब ये हम गलत कर रहे हैं? सर बिल्कुल गलत है। अच्छा फिर मेरी बात सुनो। पहला तो सॉरी, दोनों कान फर के, मैं कोई एमडी नहीं बोल रहा, मैं पकपक दीपक बोल रहा रेडियो मिर्ची। तो सपना नाम दी कुड़ी तुहाडे स्कूले एडमिशन लेना इसी, और तुसी एडमिशन इस करके नहीं दिती क्योंकि ओदे डैडी दिहाड़ी करदे है, लेबर करदे है। नहीं वो तो थानू उस बच्चे दी काबिलियत देखनी चाहिदी सी, ना कि ओना दे मम्मी डैडी दा स्टेटस। मैं मानती हूं कि ये गलत बात है, लेकिन ये तो अपने अपने स्कूल की हर एक की पॉलिसीज होती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैम यही पॉलिसीज अगर तुहाडे टाइम ते हुंदियां तां की तुसी अज प्रिंसिपल होना सी? तुसी तो उस बंदे नु एप्रीशिएट करो, ओदी औकात नहीं है, तामी अपनी कुड़ी नु इंग्लिश स्कूल पढ़ाना चाहंदा। नहीं पता क्या? नहीं मैम, मैं दसदा की है, सोशल मीडिया ते बहुत कुछ मिल जाएगा, कुड़ियां नु पढ़ाना चाहिदा है, गरीब दा बच्चा भी पढ़ना चाहिदा है, पर असलियत ए है 80% लोकां दी पहली डिमांड ए हुंदी है 13 to 14 साल दी कुड़ी चाहिदी है जो घर दा सारा काम कर ले, बच्चियां नु संभाले, और बच्चियां नु संभालदे संभालदे ओदा बचपन निकल जांदा है, और अगर ओ स्कूल पढ़ेगी नहीं ते ओदे कोई ऑप्शन नहीं है, ओनू ए करना पएगा। सो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उदे नाल जुड़ो, उदा साथ दो, और मैं कल्ला रेडियो ते बोल के कुछ नहीं कर सकता अगर तुसी इस गल नू नहीं समझोगे। दीपक एक्चुअली मैं तुहाडी गल नाल पूरी सहमत हां, और पता है मैनू लग भी रहा है कि मेरी भी किते ना किते गलती। थैंक यू सो मच मैम, जो मैं समझाना चाहता सीगा तुसी समझे, क्योंकि तुहाडे हाथ च बहुत सारे बच्चियां दा फ्यूचर है। टेक केयर मैम, बाय।